नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राज दीपक सिंह है और जैसा कि मैंने बताया ये मेरा नया YouTube चैनल है। सो ये इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे कि मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा आपको कि मेरा IBPS PO SBI PO मेंस एक्चुअली क्या रीज़न है कि मैं ये दोनों एग्ज़ाम मेंस नहीं क्लियर कर पा रहा, क्योंकि मेरे से बहुत लोगों ने पूछा है ये सवाल कि अगर आपका वो लेवल है तो आप एग्ज़ाम क्यों नहीं क्लियर कर पा रहे। सो मैं बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा इस चीज़ को, बिकॉज़ ये सवाल मेरे से अलग अलग डिफरेंट प्लेटफॉर्म से आए हैं एंड इवन माय फ्रेंड्स 2-3 फ्रेंड्स जिन्होंने क्लियर किया है SBI PO एंड दे आर ऑल्सो आस्किंग मी दैट यू हैव अ गुड लेवल देन वाई यू आर नॉट एबल टू क्लियर योर मेन्स एग्ज़ाम ऑफ IBPS PO एंड SBI PO मेन्स स्पेसिफिकली, नॉट एट ऑल रिगार्डिंग एनी प्री एग्ज़ाम और एनी क्लर्क एग्ज़ाम, नॉट एट ऑल एनी क्लर्कल एग्ज़ाम, ओनली टॉकिंग अबाउट द प्रोबेशनरी ऑफिसर। ओके, सो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग दैट इन SBI PO मेन्स एंड IBPS PO मेन्स, दीज टू मेन्स एग्ज़ाम ऑफ बोथ PO मेन्स एग्ज़ाम, दे एक्चुअली राइट नाउ from the previous 1 to 2 years, they actually right now following the CAT level exam. Seriously, CAT level pattern वो follow कर रहे हैं. Okay, so इसमें क्या होता है actual में, जो aspirants होते हैं, जो deserving aspirants होते हैं, like जिनका educational background उतना strong नहीं होता है. ओके, लाइक जिनकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, मतलब उन्होंने पढ़ा तो है बट उतना लेवल अप नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, वो प्री तो निकाल लेते हैं लेकिन वो मेंस में परफॉर्म नहीं कर पाते, बिकॉज उन्हें पता नहीं होता कि एक्चुअली में मेंस में स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए एग्ज़ाम को निकालने के लिए। तो एग्ज़ाम वो कैंडिडेट निकाल ले जाता है जिसने एक्चुअली में थोड़ा बहुत बैकग्राउंड उसका कैट लेवल का है या फिर उसने मैथ्स और रीजनिंग पे बहुत अच्छा काम किया हो, मेंस लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। और मैंने एक चीज़ तो देखी है 100%, ये दोनों PO जो SBI PO और IBPS PO है, ये कैट वाले स्टूडेंट बहुत ईजिली इसको एग्ज़ाम को निकाल ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो उन्होंने डिफरेंट उस पैटर्न के एग्ज़ाम दिए हुए हैं। पैटर्न का मतलब ये है कि उस क्वेश्चन के पैटर्न का एग्ज़ाम दिया हुआ है उन्होंने, तो उन सो दे एक्चुअली फील्स वेरी इजियर इन दिस जोन ऑफ IBPS PO एंड SBI PO मेंस एंड दैट इज़ द रीज़न दे आर क्लियरिंग द मेंस एग्ज़ाम। ओके, लेकिन मैं बस एक चीज़ कहना चाहता हूँ वो एस्पिरेंट से जिनका बैकग्राउंड लाइक बहुत स्ट्रांग नहीं है और उन्होंने कैट नहीं है, मेरा भी सेम है, मैं भी क्या बोलते हैं, मेरा भी बैकग्राउंड कैट का नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, मैंने क्या बोलते हैं नॉर्मली मैंने भी एकदम बेसिक से उठाया था मैथ्स और रीजनिंग और मैं हाँ, बट ये है डिफरेंस क्या हो जाता है मैं आपको बता देता हूँ। डिफरेंस ये हो जाता है कि उनका ज़्यादा टाइम नहीं लगता, वो 1 साल या 2 साल लेते हैं, लेकिन जिनका बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं होता, जो कैट लेवल लाइक क्वेश्चंस नहीं लगाते हैं, जो जिनको टाइम लगता है इवन क्या बोलते हैं स्टार्टिंग में प्री निकालने के लिए, तो उनके लिए मिनिमम क्या बोलते हैं 2-3 साल लग जाते हैं एग्ज़ाम क्लियर करने में, 3-4 साल लग जाते हैं, इवन 4 साल लग जाते हैं। PO की बात कर रहा हूँ मैं, अगेन IBPS PO एंड SBI PO। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हाट आई हैव लर्न दैट यू हैव टू लेवल अप फॉर बोथ दीज टू एग्ज़ाम, यू हैव टू अप योर लेवल फॉर बोथ दीज टू एग्ज़ाम्स, बिकॉज दोज स्टूडेंट्स आर एक्चुअली क्लियरिंग दिस एग्ज़ाम हु हैव लाइक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इन द रीजनिंग एंड मैथ्स, एंड रीजनिंग एंड मैथ्स उसी का स्ट्रॉन्ग हो सकता है लाइक मेन्स के लिए मैं कह रहा हूँ, जिसने अच्छा कैट लेवल का वो किया हो प्रिपरेशन और लाइक दे हैव गिवन दैट पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम। बट मैं एक आपको पॉजिटिव चीज़ कह रहा हूँ कि आप मैंने क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं लाइक जिनका बैकग्राउंड बहुत वीक है और वो कहते हैं सर हमसे तो एग्ज़ाम ही नहीं निकलता मेंस का, PO मेंस का, SBI PO मेंस का, IBPS PO मेंस का, तो मैं उनको सिर्फ एक मैसेज कहना चाहूँगा कि आप उनसे बहुत ही ज़्यादा डिजर्विंग हो, क्योंकि उनके पास उन्होंने एक क्या बोलते हैं उनका एक बैकग्राउंड है लाइक कैट लेवल का, उन्होंने किया हुआ है वो क्वेश्चन और आपने एक्चुअल में वो उस पैटर्न ऑफ क्वेश्चन से आप जूझे नहीं हो एक्चुअल में, मैं बता रहा हूँ, तो आपको क्या हो जाता है कि आपको परफॉर्म करना मुश्किल हो जाता है मेंस के एग्ज़ाम में एंड दैट इज़ द रीज़न यू आर नॉट एबल टू स्कोर मोर मार्क्स इन बोथ मैथ्स एंड रीजनिंग एंड दैट्स वाई यू आर नॉट एबल टू क्लियर द मेंस एग्ज़ाम। और ये प्रोसेस मेरे साथ भी हुआ है, 1 साल 2 साल मेरे से भी नहीं निकल रहा, क्योंकि सबसे पहले तो मेरे को प्री में ही मुश्किल आती थी निकालने में। ओके, फिर जब मेरे से प्री बहुत फ्रिक्वेंट निकलने लगे, इस साल तो ज़्यादा ही निकल गए, 6 में से 5 मैंने निकाल दिए,
लेकिन फिर क्या हो गया, मेरा मेंस अटकने लग गया। तो मेंस में मैंने एक चीज़ देखा कि वो एक्चुअल में पीओ में दोनों में वो क्या बोलते हैं, वो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, कैट लेवल का पैटर्न, मैथ्स रीजन मैथ्स और रीजनिंग में वो कैट लेवल का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत अलग अलग सोर्सेज से देखा, वो बोलते हैं कि आपको पजल स्ट्रांग हो जाएगा तो आप एग्ज़ाम निकाल ले जाओगे मेंस का, ऐसा कुछ भी नहीं है। पजल यस प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन बोथ पीओ एंड क्लरिकल एग्जाम्स, बट अगेन स्ट्रेटजी इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर द स्टूडेंट्स हु डजंट हैव द बैकग्राउंड ऑफ कैट लेवल जैट वॉट एवर द एग्जाम। देर आर लॉट मैन एग्जाम्स ऑफ कैट लेवल यू कैन से दैट, सो यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। आई एम अगेन सेइंग डोंट टेक एज अ डिमोटिवेटेड दैट इन दिस ईयर यू हैव नॉट क्लियर एस बी आई पी ओ आई बी पी एस पी ओ मेन्स एग्जाम, सो इट्स बींग वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू लाइक डील विद दीज मेन्स एग्जाम इन फ्यूचर, नॉट एट ऑल। अगर आप उस लेवल की तैयारी करोगे, अगर आप उस लेवल पे क्या बोलते हैं अपने आप को परफॉर्म करने की कोशिश करोगे, तो आप डेफिनेटली जो कैट लेवल का है ना उसको आप पछाड़ जाओगे। बस यही है कि आपको थोड़ा स्ट्रांगली क्या बोलते हैं प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको उस लेवल के क्वेश्चंस को उठाने पड़ेंगे, अलग अलग सोर्सेज से उठाने पड़ेंगे, और आपको एक सोर्स पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। बिकॉज इन द करेंट सिनेरियो व्हाट इज़ गोइंग ऑन, द क्वेश्चंस लेवल इज़ नॉट दैट मच ऑफ हाई, बट एक्चुअली द कॉन्सेप्ट इज़ गोइंग टू बी द बिगेस्ट चैलेंज राइट नाउ, कि हम अपने बेसिक्स को कैसे क्लियर करें। फिर हम उस लेवल 1, 2, 3, 4 ये जो लेवल्स होते हैं, क्वेश्चंस में ही लेवल होते हैं। क्वेश्चंस में जैसे मान लो अगर आपका फॉर एग्जांपल अगर आपका एलिगेशन एंड मिक्सचर है, तो उसमें एक ही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है उसके पांच लेवल होते हैं, पांच लेवल। प्री में वो मैक्सिमम दो लेवल तक पूछ सकते हैं, लेवल 1 और लेवल 2। लेकिन अगर आप मेंस में आ जाओगे ना, तो वो 4 तक तो एटलीस्ट पहुंचा ही देते हैं, कि आपको पहले लेवल 1 का, फिर लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। जब आप लेवल 4 तक पहुंच जाओगे, तो एक्चुअल में यू एक्चुअली फील इंटरनल कॉन्फिडेंस दैट ओके वी आर एट गुड लेवल, नाउ वी हैव टू डू अ लॉट मोर प्रैक्टिस टू गेन मोर मार्क्स फ्रॉम दीज बोथ मैथ्स एंड रीजनिंग सेक्शन। नाउ मैंने इतना एम्फेसाइज क्यों किया मैथ्स और रीजनिंग सेक्शन पे? लुक, सबसे पहले तो वेटेज बहुत ज़्यादा होता है मैथ्स और रीजनिंग में, तो आपको इसमें तो परफॉर्म करना ही पड़ेगा। और जीके और इंग्लिश आई कैन से दैट आप ज़्यादा नंबर नहीं उठा सकते भैया, मैंने देखा है जीके और इंग्लिश में बहुत 30 मार्क का भी हो गए तो आप क्या बोलते हैं 7 से 8 नंबर का गैप बनाओगे, बहुत मेहनत करोगे तो भी। क्यों? क्योंकि ये करेंटली बहुत तेज चेंज होते हैं, जीके तो रेगुलर चेंज होता है, तो ये तो आपके ग्रैब पे है कि आप जितना ग्रैब कर लो उतना क्या बोलते हैं आप मार्क्स उठा ले जाओगे। तो ये तो आपके पूरे पोटेंशियल पे डिपेंड करता है कि आप कितना ग्रैब करते हो। और इंग्लिश में तो भैया आप खुद ही जानते हो, इसलिए मैंने इंग्लिश के प्री के लिए स्ट्रेटजी बताई थी कि आप वहाँ से कैसे मैक्सिमाइज़ कर लो। मेंस के लिए इन द फ्यूचर आई विल कम टू फॉर द इंग्लिश सेक्शन डेफिनेटली, सो दैट हाउ यू कैन एक्चुअली स्कोर मिनिमम मार्क्स एज अ बेस मार्क्स, सो दैट यू आर नॉट गोइंग टू लाइक फील दैट ओके वी आर नॉट टेकिंग मोर मार्क्स इन इंग्लिश। ओके, सो दिस इज इट। एंड अगेन आई एम सेइंग लास्टली दैट डोंट लूज होप, क्योंकि जो लड़के या फिर जो भी लड़कियां लड़के एग्ज़ाम निकाल रहे हैं IBPS PO mains और SBI PO mains का, मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स उनका बैकग्राउंड कैट का होता है। आप देखना कभी भी इंटरव्यू में पूछना, वो हमेशा एक ही चीज़ बोलेंगे कि मेरी क्वांट्स अच्छी थी, मेरी रीजनिंग अच्छी थी। सो डोंट टेक अ बैक, लाइक अगर उनकी क्वांट्स और रीजनिंग अच्छी है तो हम भी अपना स्ट्रॉन्ग करेंगे, हमें भी एग्ज़ाम निकालना है। तो द बेस्ट पार्ट इज़ आप क्या बोलते हैं लगे रहो एंड जस्ट क्या बोलते हैं हिट द टारगेट राइट नाउ, द टारगेट इज़ योर मैथ्स एंड रीजनिंग। आप टारगेट को हिट करते रहो, यू विल गेट डेफिनेटली द बेनिफिट ऑफ लाइक हिटिंग द टारगेट एट अ रेगुलर बेसिस। ओके, सो एंड अगेन मेरा भी लास्ट 2 ईयर्स से ऐसे रिपीटेडली आई एम नॉट एबल टू क्लियर द मेन्स एग्जाम ऑफ IBPS PO एंड SBI PO बिकॉज आई ऑल्सो यूज टू टारगेट दीज टू एग्जाम्स ईयरली, बोथ IBPS PO एंड SBI PO, बट my level earlier was not that much of like good, but I have like improved a lot. लेकिन अभी भी work करने की ज़रूरत है because I am not clearing both the exams. Okay, so this is a message to the students who have like low background, weak educational background, और वो हमेशा सोचते हैं यार इतना कैट लेवल का पेपर पूछते हैं तो हम कैसे निकाल पाएंगे। नहीं, आप निकाल सकते हो, बस आपको थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है उस कैट लेवल के लिए। वो स्टूडेंट्स इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि वो वहाँ से जूझ चुके हैं, उन्होंने क्या बोलते हैं कैट कर लिया है, तो उनका एक्चुअल में मैथ्स और रीजनिंग थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। ओके, सो दिस इज़ इट। एंड अगेन
Lastly, I just want to tell you that if you are liking my videos, please do subscribe this channel. I have not that much of subscribers and viewers, so I need more viewers, more subscribers. Why I'm saying this? Because I want this to reach to the weak students, to those students who are educational background is weak and who didn't even have the strategy how they are going to clear these IBPS PO and SBI PO mains exam. मैं चाहता हूँ कि जो weak students हैं ना, जिनका educational background weak है और जो strategy में lack करते हैं, मैं चाहता हूँ कि वो actually में ये CAT level students के साथ compete करें, क्योंकि फिर मज़ा आएगा, फिर हम actual में देखेंगे कि competition क्या होता है. क्योंकि वो easily निकाल ले जाते हैं, वो CAT level का उन्होंने ऐसा preparation कर रखा है कि वो easily exams को निकाल ले जा रहे हैं. लेकिन क्योंकि आपने नहीं किया है तो आप क्या बोलते हैं, बैक हो जाते हो. आप एक दो एग्ज़ाम दे, एक दो साल के बाद आप थोड़ा बैक हो जाते हो कि अरे यार वो नहीं निकल रहा. लेकिन माई चैनल पर्पस इज़ दैट गिव यू द बेस्ट स्ट्रेटजी, गिव यू द बेस्ट लाइक सोर्सेज, सो दैट यू कैन एक्चुअली कम्पीट, नॉट कम्पीट विद एग्जाम, यू कैन एक्चुअली कम्पीट विद दोज स्टूडेंट्स हु आर हुज बैकग्राउंड इज़ लाइक ऑफ कैट लेवल एंड हुज मैथ्स एंड रीजनिंग इज ऑफ एट पार फॉर द क्लियरेंस ऑफ द एग्जाम. एंड दैट इज़ द रीज़न आई हैव मेड दिस चैनल, टू हेल्प दीज वीक स्टूडेंट, एजुकेशनली वीक स्टूडेंट. सो फॉर दैट आई जस्ट वॉन्ट टू हैव लाइक ग्रेटर रीच ऑफ दिस वीडियो, दिस कॉन्टेंट, सो दैट दे एक्चुअली अंडरस्टैंड दैट वॉट इज़ द करेंट सिनारियो ऑफ द लाइक लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन इन द प्रेजेंट रिक्रूटमेंट्स फॉर द बैंकिंग सेक्टर स्पेशली. ओके, so this is it. So please do subscribe, like the videos, like my channel, and if you have any queries, feel free to ask at any time. If I have a time, I definitely come to your question and give your questions answer. And again, I am saying I do not have that much of viewers, so try to like share these videos to the different platforms so that I can reach to the maximum students for making their preparation at very easy level. Okay, so this is it, and okay, thank you.